नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौट। उत्तराखंड में सर्दी बहुत है लेकिन भाजपा में बहुत गर्मी नज़र आ रही है और उसकी वजह है 11 विधानसभा सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा का ना होना। अब आप सोच रहे होंगे कि 11 सीटों से पूरे भाजपा में गर्मी क्यों है। उसकी वजह यह है कि जो 11 सीटें भाजपा ने अभी होल्ड पर रखी हैं उन सीटों पर विवाद ज़्यादा थे और यही वजह थी कि उन्होंने अभी तक इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की थी। वहीं ये कहा जा सकता है जिस तरीके से पुरानी लिस्ट में 10 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए तो इन जो दूसरी लिस्ट है जिसमें 11 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारने हैं इसमें भी कई सिटिंग विधायकों के टिकट कटने के आसार लग रहे हैं और इसी वजह से कहा जा सकता है कि भाजपा में गर्मी बहुत है। अगर बात कर ली जाए इन 11 विधानसभा सीटों की तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण और हॉट सीट अगर होती है तो वो है राजधानी देहरादून की डोईवाला विधानसभा सीट। इस सीट से विधायक थे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय विधायक डोईवाला के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने हाईकमान को पत्र लिखकर अपील की कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि वो पार्टी से जुड़ें और पार्टी को जिताने का काम करें लेकिन खुद चुनाव के मैदान में वो नहीं आना चाहते हैं। लेकिन इस सीट पर कई मायने हैं, इस सीट पर कई उम्मीदवार हैं, कुछ युवा हैं तो कुछ बुज़ुर्ग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर से आ रहे हैं। तो इसी वजह से कहा जा सकता है कि डोईवाला विधानसभा सीट में भी गर्मी बहुत है और डोईवाला के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें भी खूब गर्मी देखने को मिल रही है कि आखिरकार इस सीट से भाजपा किसको प्रत्याशी अपना बनाती है। वहीं अगर बात कर ली जाए जो दूसरी हॉट सीट है वो है कोटद्वार की सीट, जिस सीट से विधायक थे, जी हाँ विधायक थे हरक सिंह रावत, जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब उम्मीद ये की जा रही है कि इस सीट पर किसी ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाएगा जो बहुत मजबूत हो और पार्टी के लिए बेहतर काम करे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इस सीट पर भी घमासान बहुत है, प्रत्याशी बहुत है और उम्मीदवार भी बहुत हैं, इस वजह से गर्मी बहुत है। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा सीट, इस सीट से विधायक हैं देशराज कर्णवाल, जो कि भाजपा के एक सिपाही हैं, लेकिन उनको इस बार अपना टिकट कटने का डर सता रहा है और यही वजह है कि उन्होंने हाईकमान को पत्र लिखकर अपनी धर्मपत्नी को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने की अपील की है, इसलिए झबरेड़ा में भी गर्मी बहुत है। इसी तरीके से अगर लाल कुआं विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो उस सीट पर भी गर्मी बहुत है क्योंकि इस सीट से विधायक हैं भाजपा के नवीन दुमका, सीनियर नेता हैं, बुज़ुर्ग नेता हैं, लेकिन टिकट कटने का डर उनको भी सता रहा है और साथ ही भाजपा के कई अन्य उम्मीदवार उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनको इस बार टिकट मिल जाए, इसलिए गर्मी वहाँ भी बहुत है। ऐसी अगर बात कर ली जाए तो हल्द्वानी विधानसभा सीट, इस सीट से विधायक थी कांग्रेस की इंदिरा हृदेश, लेकिन इस बार कांग्रेस का चेहरा कोई अलग होगा क्योंकि अब इंदिरा हृदेश हम लोगों के बीच नहीं रही, लेकिन भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनमें इस सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और उनकी संख्या भी बहुत है और यही वजह है कि भाजपा ने उस सीट को भी दूसरी लिस्ट में रखा है, इस वजह से वहाँ भी खूब गर्मी आपको नज़र आ सकती है। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए तो हरिद्वार इसलिए क्योंकि हरिद्वार में कई ऐसी सीटें थी जिसमें पहली लिस्ट जारी होने के बाद भी गर्मी बहुत थी, तो उसी में अगर बात कर ली जाए तो प्रियान करलियर, ये सीट में भी गर्मी बहुत है क्योंकि इस सीट से विधायक हैं फुरकान अहमद जी और उनको भी अपना टिकट कटने का डर सता रहा है और उस सीट पर कर रहे भाजपा के कई लोग इंतज़ार कि आखिरकार क्या इस बार विधायक जी का कटेगा टिकट और उनको मिलेगा मौका, तो इसलिए उस सीट पर भी खूब गर्मी। और ऐसे ही उत्तराखंड में और भी कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर भाजपा अपनी नज़र गड़ाए हुई है और भाजपा ने वो लिस्ट अभी जारी नहीं की है, जिनमें से अगर बात कर ली जाए रानीखेत की सीट है, जागेश्वर की सीट है और सबसे महत्वपूर्ण रुद्रपुर
विधानसभा सीट, जहां से विधायक हैं राजकुमार ठकराल, जो पिछले दो बार से भाजपा के विधायक हैं और जीतते हुए विधानसभा पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार राजकुमार ठकराल को भी अपनी टिकट पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि वो इन दिनों राजधानी देहरादून के चक्कर लगाते हुए आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है इन 11 सीटों से भाजपा में बहुत गर्मी देखने को मिल सकती है और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि सर्दी के मौसम में भाजपा में गर्मी बहुत है। लेकिन बड़ा सवाल ये, यदि सिटिंग विधायकों का टिकट यदि और कटता है, इन 11 में से कहीं और विधायकों का टिकट कटते हैं, तो इसका खामियाजा शायद भाजपा को भुगतना ना पड़े, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहली लिस्ट के बाद से ही भाजपा में कई निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, तो अब दूसरी लिस्ट का भी इंतज़ार के बाद क्या अपने ही विधायक पार्टी के खिलाफ खड़े होते हुए आपको ना नज़र आ जाएं? इसलिए कह रहे हैं कि सर्दी के मौसम में भाजपा में गर्मी बहुत है। ऐसी ही और भी ज़रूरी जानकारी आपको हम देते रहेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।